नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ के तत्वाधान में बड़ी संख्या में संविदा चालकों एवं परिचालकों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संविदा चालकों एवं परिचालकों ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि दीपावली के पहले यदि उनके जायज मूलभूत मांगों को नहीं माना गया तो लोग आगामी महाकुंभ में कार्य बहिष्कार कर देंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा पर रहे चालकों एवं परिचालकों ने आज राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। यहां तक कि चालकों एवं परिचालकों ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी तक दे डाली है कि दीपावली के पहले उनका न्यूनतम वेतन 35,000 रुपए निर्धारित नहीं किया गया तो प्रदेश के 40,000 संविदा चालक एवं परिचालक सहित आउटसोर्सिंग कर्मचारी आगामी महाकुंभ में कार्य बहिष्कार कर रोडवेज की सेवा को ठप कर देंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान यूनियन के प्रांतीय महामंत्री कन्हैया लाल पांडे ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में कार्यरत संविदा चालकों परिचालकों के समायोजन हेतु निगम मुख्यालय द्वारा 35% कोटा निर्धारित किया गया है, जिसे 100% लागू करते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन किया जाए। एक क्रम में शेष बच रहे संविदा चालकों पर चालकों एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम 35,000 रुपए वेतन निर्धारण किया जाए। संविदा श्रम सेवा नियमावली लागू किए जाने के साथ साथ लंबी दूरी की सेवाओं में नियमित चालकों की भांति संविदा चालकों को भी पूरा किलोमीटर दिया जाए। सेवा काल के दौरान दुर्घटना, सामान्य मृत्यु तथा सेवा काल पूर्ण होने पर संविदा चालकों एवं चालकों को 5,00,000 रुपए ग्रेच्युटी दिए जाने के साथ साथ ईएसआई की व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन में संयोजक मोहम्मद जमाल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश वर्मा, तनवीर सिद्दीकी, दिनेश पांडे, राणा सिंह, केपी सिंह, रविशंकर श्रीवास्तव, रामविलास रर, अरविंद तिवारी, आदर्श श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश वर्मा, तनवीर सिद्दीकी, दिनेश पांडे, राणा सिंह, केपी सिंह, रवीश चंद्र श्रीवास्तव, रामविलास, अरविंद तिवारी, आदर्श श्रीवास्तव, विजय वर्मा, अवनीश त्रिपाठी, अंजनी सैनी, श्याम गोयल, संजीव शर्मा, राकेश निगम, संजीव यादव, अवनीश नरेंद्र यादव, परवेंद्र चौधरी, राम गोपाल, गणेश पांडे, विष्णु मूर्त के साथ सैकड़ों की संख्या में संविदा चालक एवं परिचालकों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको अपमान है। जिंदाबाद संविदा एकता, जिंदाबाद संविदा एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हर चोर जुर्म। अब ये था परिवहन निगम में 70 साल सत्ता विकास हो रहा है, स्थिति कैसी है? जबकि आप किसी बनिया के यहाँ नौकरी करते, रोडवेज में संविदा पर चालक परिचालक जो काम कर रहे हैं, आज अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। बड़ी तादाद में इन लोगों ने अपनी मांग उठाई है। इसी क्रम में इनके संघ के महामंत्री जी कन्हैयालाल जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं जी? मैं कन्हैयालाल पांडे, महामंत्री संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन। हमने 6 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी को इस आशय के साथ में प्रेषित किया था कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 40,000 संविदा चालक परिचालक एवं आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं, जो विगत 20 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं और ये 10,000-12,000 रुपए में अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल के लिए न्यूनतम वेतन मान की घोषणा कर दी है, शासनादेश कर दिया, तो परिवहन निगम में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हमारे परिवहन निगम में 35% कोटा निर्धारित किया गया है कि जब भी भविष्य में भर्ती निकलेगी उसमें इसी में से कार्यरत चालकों परिचालकों में से 35% लोगों का समायोजन किया जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भर्तियाँ रिक्त हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारी जियोग्राफी पूरा परिवहन निगम के पास में है, हमारा कैसा व्यवहार है, तो उनका समायोजन कर दिया जाए, बाद में भर्ती कर ली जाएगी। तो इस मुद्दे को लेकर विगत वर्षों में भी आप लोगों ने अपनी आवाज सरकार से, अपने उच्चाधिकारियों से उठाई थी, किंतु क्या बात रही कि जो है अभी तक ये मांगे पूरी नहीं की गई, इस पे अमल नहीं किया गया? बड़ी बात यह है कि जो हमारी बातें होती थी अभी तक परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा होती थी, क्योंकि हमने का मुख्यालय पर धरना देते थे तो हमारी मांगे वहीं तक सीमित रह जाती। एक लंबे समय तक आप लोगों ने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, काफी दिन प्रदर्शन किया, मैंने कई बार कार्य बहिष्कार भी हुआ है,
लेकिन हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ। अभी मैं इस कार्यक्रम में अभी 8 तारीख को हमने गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को और परिवहन मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया था कि हमारी मांगों पर विचार करने की कृपा करें। जब हमारी मांगों की अनदेखी की गई तो आज हम पूरे प्रदेश के लोगों को एकत्र करके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं और आपका ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो चिराग तले अंधेरा कैसे है? आपके नजरों में आपके निगम मुख्यालय में ही परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा संविदा चालकों परिचालकों का क्यों शोषण किया जा रहा है? दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? भारत का संविधान एक है और उस संविधान को सभी मानते हैं, लेकिन हमारे परिवहन निगम के अधिकारी नहीं मानते हैं। एक गाड़ी पर नियमित चालक जा रहा है उसको पूरा किलोमीटर दिया जा रहा है, वहीं संविदा चालक जा रहा है उसको आधा किलोमीटर क्यों दिया जा रहा है? 50% लोड फैक्टर की बात देता है, नियमित परिचालक अगर 20% मिला रहा है उसकी कोई जवाब देने कोई कटौती नहीं, और वहीं जो अल्प वेतन भोगी हैं, जो संविदा हैं, जो शोषित है, जो पीड़ित हैं, उनकी 2300 रुपए की रिकवरी क्यों की जा रही है? और रिकवरी ही नहीं, 2300 तो जो रिकवरी हो रही है यहाँ रूट आप रूट परिवर्तन 100 रुपए टोकन रिकवरी एयरमो द्वारा, 200 रुपए टोकन रिकवरी एयर द्वारा, मतलब ये कितना शोषण करेंगे हमारा? और ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच रही है जिसको पहुंचाने के लिए आज हमने धरना प्रदर्शन का कार्य किया है। अच्छा, एक बात और सामने आई थी, जब विगत वर्षों में आप लोग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो आपके कई साथी बर्खास्त कर दिए गए थे, क्या इस संबंध में भी आप लोगों की कोई मांग है? ये तो हमारे विभाग की बहुत पुरानी व्यवस्था है, ये शोषण करेंगे और आप शोषण के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते हो, और ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, और जिसको लेकर के, और मैं इस बात को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर इस कार्यक्रम में किसी भी पूरे प्रदेश से किसी भी एक चालक परिचालक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई तो बिना नोटिस के हम पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार करने का कार्य करेंगे। सुबह से आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शासन स्तर से या प्रशासन के कोई अधिकारी आप लोगों से ज्ञापन लेने आए? जी, अभी कमिश्नर साहब और मजिस्ट्रेट साहब आए थे, ज्ञापन लिया है, उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि हम आपकी मांगे जो है वो जायज है, उन्होंने हमारे ज्ञापन को पूर्व विधिवत पढ़ा है और कहा है कि आपकी मांगे जायज है, हम आपकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी हमारे दर्द को सुनेंगे, देखेंगे और हमारी मांगों का निराकरण करेंगे। मामले के निस्तारण के लिए आप लोगों ने कोई समय सीमा भी दी है क्या? मैं हमारे अध्यक्ष जी द्वारा ये घोषणा की गई है कि अगर दीपावली तक हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो हम दीपावली बाद निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे, और उसके बाद जो सबसे बड़ा विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का महाकुंभ है जिस पर पूरे प्रदेश की साख लगी हुई है, अगर हम भूखे पेट रहेंगे तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, फिर महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी व्यवस्था कर लेंगे, हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, और हम ही नहीं 40,000 संविदा चालक परिचालक एक भी नौकरी नहीं करेगा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हमको जेल भेज देंगे, चाहे फांसी चढ़ा देंगे, चाहे प्रदेश से निकाल देंगे, हम हर स्तर पर तैयार हैं, लेकिन हम अब शोषण नहीं सहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों पर विचार करना होगा। अब हम बात करेंगे संविदा चालक परिचालकों से, इन लोगों के सामने क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और ये लोग क्या करना चाहते हैं? भैया आप कहाँ से हैं? हम सहारनपुर रीजन के खतौली डिपो से हैं। क्या करना चाहते हैं? हम लोग अपनी मांग रखना चाहते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, कि हम बहुत ही अल्प वेतन भोगे हैं और हम लोगों का इतना इस स्तर तक शोषण हो चुका है, हो रहा है, इस स्तर तक शोषण हो रहा है कि जितनी भी हमारी सैलरी आ रही है, चालक की सैलरी 15,000 रुपए आ रही है तो उसमें 5,000 कभी डीजल कटौती, कभी चालान, चालक क्या चाहता है, मेरा चालान हो, गवर्नमेंट के लिए हम इनकम करते हैं, गवर्नमेंट समय तय करती है, गवर्नमेंट निर्धारित करती है इस टाइम आपको चलना है 15 मिनट 20 मिनट जो भी तक, उसमें भी हमसे लोड फैक्टर मांगा जाता है। प्राइवेट कंपनियां जो है हमारे बगल में गाड़ी लगाती है, हमारा किराया भी गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, इतना 500 रुपए आपका, बगल में हमारी प्राइवेट गाड़ी खड़ी है वो भैया 300 में ले जा रहा, 500 में कौन जाना पसंद करेगा, और इसमें लोड फैक्टर में हमारी कटौती होती है। चालक भाई है, कहीं जाम में फंस गया, कुछ हो गया, समस्याएं आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके डीजल में रिकवरी हो जाती है, गाड़ी में कोई खराबी आ गई उसकी चालक रिकवरी हो जाती है, बेचारे मतलब इतना अल्प वेतन होने में चेकिंग जब अधिकारी करते हैं बसों की तो वहाँ पे भी शोषण होता है? बिल्कुल होता है, जब चेकिंग करते हैं हर जगह शोषण होता है सर, हर जगह शोषण। किस तरह का शोषण करते हैं?
आपको टॉर्चर किया जाता है, आपके गाड़ी में क्या है, कोई कैसे है, कोई बच्चा छूट गया, कोई यदि महिला जो है सामान क्यों रखा है? नहीं, सामान तो हम लोग नहीं ले जाते, सामान नहीं ले जाते हम लोग, हम लोग लगेज कोई नहीं ले जाते। कोई सामान किसी यात्री का है कहते कैसे है, कोई बच्चा 4 साल का यात्री है, हम ऐसे नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है हम लोग चौराहे में जाते हैं, अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं, बगल में प्राइवेट गाड़ियां खड़ी होती है, उनका चालान नहीं होता, और हमारी कोई रोडवेज गाड़ी खड़ी है उसका तुरंत पुलिस वाले भाई साहब चालान कर देंगे। वो चालान कौन भरेगा? वो चालान भरेगा वो अल्प वेतन भोगी चालक, जिसका ही वेतन 15,000 है। हम लोगों को बच्चे पालने के लाने पड़ रहे हैं, बहुत ही कम वेतन में हम लोग कार्य करते हैं। और हम योगी बाबा से अपना इस लखनऊ आए हैं, अपने दुख बयां करने आए हैं कि हम लोग अपने बच्चों को कुछ नहीं कर पा रहे, न कर सकते हैं, क्योंकि 15,000 रुपए मिला, 5,000 इधर उधर कट गए, 10,000 मिला, 10,000 में 2-4 हजार रुपए कम में चले गए। निश्चित रूप से आज इतनी बड़ी संख्या थी और आप लोग की आवाज की गूंज को गार्डन से यहाँ लोग जी तक पहुंची होगी, इसी क्रम में और लोग हैं, इनसे भी बात कर लें। ये जो रिकवरी का सिलसिला यूपी रोड में चालू हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चौधरी। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मुझे 12 साल हो गए। चालक है? चालक हूँ। चालक है, क्या कारण? ये जब तक नियमित स्टाफ रोडवेज में था कोई रिकवरी नहीं थी, नियमित स्टाफ खत्म हो गया, संविदा है, टोटल हर चीज की रिकवरी हो रही है यूपी रोडवेज में। वो उनकी मर्जी, वो कहे कि कर ले। हम खतौली डिपो से हैं, सहारनपुर रीजन से। हमारे यहाँ के पूरे यूपी में 50% से कम लोड फैक्टर आता है, तो 2300 से 2400 रुपए की रिकवरी होती है, 2300-2300 रुपए 15,000 रुपए जो पा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा रुपए होते हैं। लेकिन सरकार ये बात नहीं समझ रही है कि 2400 रुपए इनसे काट लेंगे तो ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप संविदा पे काम करना क्यों अपनी प्रायोरिटी रखे? बेरोजगारी इतना है कि क्या किया जाए, पुलिस में भी नाम आ गया था लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, तो संविदा पे काम कर रहे हैं 5 साल हो गए, लेकिन जो आज लग रहे हैं उनका जो वेतन है वही हम लोगों का भी वेतन है, जो 10 साल से कर रहे हैं उनका भी वही वेतन है। निश्चित रूप से समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए, आप लोग भी काम उसी तरह करते हैं। हमारे यूपी रोडवेज में दोहरा व्यवहार होता है, एक गाड़ी में 2 चालक जाते हैं, एक संविदा का जाता है और एक लोन का जाता है। संविदा वाला 4,000 किलोमीटर करे 40,000 सैलरी उठाता है रेगुलर वाला, और संविदा वाला 4,000 किलोमीटर करके 8,000 में उठा पाता है। उसके बाद यदि वो किलोमीटर जाता है लंबे रूट पे तो उसे पूरे किलोमीटर मिलते हैं, गोरखपुर की ड्यूटी स्लिप है तो उसे 1,800 किलोमीटर मिलेगा, ताकि वही जो संविदा का चालक भाई जाता है उसे 900 किलोमीटर मिलेगा। मतलब संविधान एक और व्यवधान दो, मतलब ये कैसे एक ही जगह दो व्यवहार, रेगुलर को 1,800 और संविदा को 900, ऐसा कैसे, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और ताकि वो बेचारा 900 किलोमीटर करेगा उसको 1,800 सैलरी बनेगी, वो 1,800 किलोमीटर करेगा उसकी 20,000 सैलरी बनेगी, क्योंकि उसको महीने में 4,000 किलोमीटर करना है, 4,000 किलोमीटर करके उसे 40,000 मिल रहे हैं और हम 4,000 किलोमीटर करके हमें 8,000 मिल रहे हैं। योगी बाबा से हमारी अपील है कि हम श्रमिकों की सुनो और हम गरीबों की आवाज आप तक पहुंचे। आप हम पे आप हमें रीढ़ की हड्डी कहते हैं और आप रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग बुरी तरीके से टूट चुके हैं और अपने दुख या बयां करने आए लखनऊ में, आप तक पहुंचे बाबा, और हम सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करो, हमारी एक मांग है नियमित करो, कम से कम ऐसा वेतन मिल जाए एक हो कि हमारा घर चल सके। 10,000 में कुछ नहीं होता, कम से कम 25,000 जो 30,000 जो फिक्सेशन है वो करिए और हम लोगों को नियमित करिए। हमारे बहुत से संविदा कर्मचारी पढ़े लिखे हैं, ना हो तो उनका प्रमोशन करिए, उनको भी आगे बढ़ाइए। आज जैसे यहाँ कोई बाबू प्रमोशन होता है, हमारे में एक संविदा कर्मचारी है बेचारा आज भर्ती हुआ, उसको 1.89 रुपए, जो बेचारा 20 साल से मेहनत कर रहा है विभाग के लिए उसको भी 1.89 रुपए, ये क्या व्यवधान है? हर जगह सीमेंटी है, आज कोई 1,800 ग्रेड पे में हो रहा है उसकी सैलरी 32,000, 34,000, 38,000, वो 20 साल सीमेंट, यहाँ सीमेंटी का कोई महत्व नहीं, एक बंदा आज भर्ती होकर आ रहा है उसे 1.89 रुपए। यही की बात नहीं है, संविदा को लेकर हर जगह विसंगतियां हैं। चाचा आप कहाँ से हैं? हम कानपुर से, आजाद नगर। लगता है कि आप अपने पूरे जीवन को लगा दिया है इसमें। सर मैं जब रेख नहीं हुई थी तब मैं रोडवेज में पैदा हुआ था और मैं विभाग का अप्रेंटिस हूँ। जी जी। 2017 में भर्ती हुई थी, विभाग के लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तब से मैं संविदा में नौकरी कर रहा हूँ और कहते हैं कि 2 महीने से मेरा 3500 रुपए 14,000 वाली स्कीम में है, 3500 रुपए हर महीने 39%, 40%, 45%, 3500 रुपए मेरा कट रहा है। यहाँ लोड फैक्टर की भी लोड फैक्टर जब भर्ती हुए थे तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि लोड फैक्टर पे आपको नौकरी करना है, परिचालक के रूप में भर्ती किया था, लोड फैक्टर कोई डिमांड नहीं थी सर। फिलहाल इको गार्डन में आप लोग इतने संख्या में आए हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी आवाज सरकार तक पहुंची ही होगी। फिलहाल अब जाते जाते जब ये मुख्यमंत्री जी जब विधायक थे गोरखपुर में, मैंने उनके कमरे में गया था, वहां से मैंने कहा कि जब मेरी सीट आएगी तब मैं आप लोग को ध्यान दूंगा। यहाँ आए, यहाँ हम लोग पूरी जनसंख्या के साथ गए थे, वहां मिले, इन्होंने धक्का मार के हम लोग को बाहर कर दिया।
फिलहाल आप तो मुख्यमंत्री बन गए हैं जी, हो सकता है आपकी आवाज पहुंच जाए, क्या कहना चाहते हैं उनसे? अब कहना क्या चाहते हैं, 5 साल मेरी नौकरी बची है, 26 साल होगा विभाग में, 5 साल में भी अगर ठप्पा मेरा लग जाए तो कुछ बच्चों को, अभी 23 साल की मेरी लड़की हो गई, अभी तक मैं शादी नहीं कर पाऊँ। मैं विजय श्रीवास्तव मेरा नाम है, मैं रहने वाला बिहार का हूँ और पकहां मेरा घर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम लोग वेतन पाते हैं उसमें से भी कटौती कर ले जा रही है। यहाँ लगभग महीने में अगर जितने भी संविदा हमारे 40,000 कर्मचारी हैं, वो फिक्सेशन में है नहीं है अलग बात है, लेकिन 1,000 अगर जोड़ा जाए तो वेतन की कटौती जो है कहीं 2300 कटौती कर रहे हैं, कहीं 1,000 कटौती, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपया महीना काट रहे हैं और 6 करोड़ रुपया महीना काट रहे हैं खाली वेतन से। और वेतन में भी बाध्यता कर दी है कि 51% रहेगा तो आपको इतना वेतन मिलेगा, उससे कम रहेगा तो इतना कम मिलेगा। उसकी कमियां कहां से हैं? हमारा नाम अवनीश त्रिपाठी, हम गोरखपुर से हैं और समस्या है कि गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री का शहर है और वहां से डग्गा मार वाहन चल रहे हैं और चरम सीमा पर है, छोटी छोटी दुकानें लगाकर बैठे हैं और परिवहन विभाग की गाड़ियों में यात्री नहीं बैठ रहे, उसका कारण यही है। और उसका नतीजा कौन भोग रहा है? चालक परिचालक। आपके वेतन जो मिलेगा उससे काट लेंगे, डीजल रिकवरी करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर कटौती कर रहे हैं। और जो छोटे अधिकारी से लेकर ऊपर से लेकर नीचे सबको महीना चाहिए, आप महीना देंगे तो नई गाड़ी पे चलेंगे, महीना देंगे तो फला व्यवस्था में चलेंगे, नहीं देंगे ड्यूटी बाबू को 10-20 रुपया नहीं देंगे तो ड्यूटी तक नहीं लगाएगा। ये भी भेदभाव होता है, पैसा देंगे तो अच्छी गाड़ी मिलेगी, पैसा नहीं देंगे तो खजाना मिलेगा। चेहरा पहचान कर, वहाँ चेहरा पहचान कर हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, पैसा देख के बिल्कुल। अगर कोई 50 देगा तो दिल्ली जाएगा, कोई 10 रुपया देगा तो लोकल जाएगा, इस तरह की स्थितियाँ। किलोमीटर जो बनना होता है, अगर अच्छा किलोमीटर बने तो उसके लिए माल दो। कभी कभी ऐसा होता है कि कई ऐसे चालक परिचालक है जिनका किलोमीटर और दिन पूरा हो जाता है, अगर अधिकारी को आप पैसा नहीं दे रहे हैं, खिला नहीं रहे हैं तो आपकी वो कटौती कर देगा, आपको ड्यूटी जाने से रोक देगा, तमाम व्यवस्थाएं। डीआर नहीं लगाएगा, लास्ट में क्या हुआ, 5,000 किलोमीटर नहीं हुआ, डीआर नहीं लगाएगा, या वो कह देगा कि इसमें तुम्हारा किलोमीटर कम है, ये है वो, तो 5,000 से नाम कट जाएगा। मैं आप भैया कहाँ से हो? मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है जी? मेरा नाम महेश है। कब से आप नौकरी कर रहे हैं रोडवेज में? मेरे को हो गए 5-6 साल। क्या करना चाहिए? मैं खतौली डिपो में परिचालक पद पे हूँ। मेरी समस्या है कि ये सब समस्याएं तो आपके सामने आ चुकी है, एक और समस्या हो रहा है, जैसे मान के चलो चालक परिचालक को कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हम लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है उसके लिए, किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए, तब उसका इलाज हो पाता है। सरकार से एक ही निवेदन है कि प्लीज हमारे बारे में कुछ सोचे, बस यही कहना चाहता हूं। तो आप लोग की 6 सूत्री मांगों में एक मांग तो यह भी है कि आप लोग को जो है आकस्मिक सहायता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्रम में संघ के अध्यक्ष महेंद्र पाल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर, आज इतने भारी तादाद में संविदा कर्मी यहाँ पर हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए और मांगे पूरी करने का प्रयास माननीय परिवहन मंत्री जी या मुख्यालय जी को निर्देश करें। जो हमारी मांगे हैं नियमितीकरण और संविदा नियमावली, संविदा नियमावली ना होने से हमारे कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। जो वेतन हमारा मिलता है किलोमीटर बेस पर मिलता है, अगर गाड़ी हमारी खराब होती है, रास्ते में खराब हो गई, ड्यूटी चलती रहती है लेकिन उसका किलोमीटर बंद हो जाता है तो वेतन हमारी बंद हो जाती है। अच्छा, जो परमानेंट चालक हैं उन लोगों को क्या लाभ मिलता है किलोमीटर का? उनको पूरा वेतन मिलता है, उनको औसत किलोमीटर जो है, जो निर्धारित है, जैसे गोरखपुर 300 है तो 300 का किलोमीटर मिल जाता है। गाड़ी खराब, उनको प्रेजेंटी के आधार पर वेतन मिलता है, हमको किलोमीटर के आधार पर मिलता है। गाड़ी खराब तो वेतन यात्री भाव में गाड़ी लौट आई, ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन हमारे परिचालक चालक परिचालक को उसको वेतन बंद हो जाता है। तो अगर संविदा नियमावली बन जाएगी, हमको जो डेज के आधार पर न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाए और उसी आधार पर जिस तरह रेगुलर को पूरा वेतन देते हैं उनको आधार दिया जाए, किलोमीटर की व्यवस्था जैसे रेगुलर की करते हैं वैसे हमारा भी करें। 6 मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं? 6 हमारी मांगे हैं। पहली मांग है कि जो 35% का कोटा है जो नियमित भर्ती की जाए तो उसमें 60% हमारे संविदा चालक परिचालक का किया जाए। दूसरी नियमावली संविदा नियमावली है, श्रम नियमावली लागू की जाए जो मुख्यालय ने पहले से बना रखी, इस पर काफी पैसा खर्च किया गया है लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे हैं, 10 साल से कम से कम वो बनी तैयार है, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तीसरी मांग ये है संविदा नियमावली जिससे न्यूनतम वेतन मिल जाए हमारे, जैसे आप हमारे प्रदेश मंत्री जी ने बताया कि कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल, मिनिमम मजदूरी पहले ये 11,000 थी और 11,000 के बाद अब मोदी जी ने इसको
करीब 20,000 के ऊपर कर दिया है, तो उस पर अगर लागू हो जाएगी तो 6 महीने पे जैसे परमानेंट को मिलता है महंगाई, वैसे हमको भी मिलेगा, तो वही लागू करके डे के आधार पर कर दिया जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल और है, 20 साल से ये लोग अपने, समझ लीजिए जब इन लोग का गोल्डन चांस था नौकरी करने की तैयारी करने, तो लोग संविदा में आ गए, यहाँ पर घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, एक उम्मीदों के साथ, एक आशा के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार की निद्रा भंग हो और ये लोग समायोजित कर दिया जाए। किंतु एक सवाल है, इनमें कितने ऐसे चालक परिचालक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, क्या उनका आंकड़ा है आपके पास? ये आंकड़ा अभी तो पूरा नहीं है, लेकिन हमारे चालक परिचालक एक्सपायर हो जाते हैं। लगभग कितने संविदा कर्मी 2-4 साल में मौत के गाल में समा चुके होंगे? लगभग 1,000 होंगे। तो सरकार की तरफ से उनके परिवार को क्या मदद दी गई? सरकार की तरफ से कुछ नहीं दी जा रही है। हमारा बीमा, जब इस आवाज को उठाया गया था पिछले आंदोलन में, तो 5 लाख का बीमा हमारे ही पैसे से काट के, 3 वार्षिक बीमा होता है उसी पे 5 लाख मिलता है। अब वो भी गिने, बहुत उसे प्रोसेस करना पड़ता है। 5 लाख का बीमा हमारे ही पैसे से काट के मिलता है हमको, मतलब जो तनख्वाह मिलती है हमारा बीमा कटता है, उसी की कटती है, उसी का पैसा विभाग से कुछ नहीं मिलता है। और अब यात्री टिकट पर भी 5 लाख देना शुरू कर दिया है, तो विभाग कुछ नहीं देता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रोडवेज के चालक परिचालक हैं जो संविदा पर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं रोडवेज की सेवा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अब इन लोगों ने आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है कि दीपावली के पहले तक यदि इन लोगों के 6 मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो कुंभ के मेले में ये लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, रोडवेज की बसें ठप कर देंगे। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।